हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा ओके। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIACL असिस्टेंट मेंस एग्जाम के स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखिए कि NIACL असिस्टेंट का जो मेंस का पेपर होगा उसमें हमें 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GA एंड कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद पेपर पैटर्न की बात कर लेंगे, तो इसका पूरा जो पेपर पैटर्न है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप वो वीडियो भी चेक कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल की, तो ये जो एग्ज़ाम है वो RBI असिस्टेंट का जो मेन्स का पेपर होता है सेम वही फॉलो होगा, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम लेवल आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि बहुत से वेबसाइट पर जो आप मॉक्स खरीदते हो, ठीक है, उसमें हार्डली 4 या 5 मॉक्स अवेलेबल होते हैं। तो आपको अगर और प्रैक्टिस करनी है तो आप RBI असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम जो है वो देकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले जो बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश में आपको RC, क्लोज टेस्ट, इन दोनों टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो मतलब क्वेश्चंस होंगे वो 4, 5, 5, 7 इस प्रकार से मतलब ज़्यादा होंगे, ठीक है। 2 RC तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही, तो इसके लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके सेक्शनल मॉक देने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अभी यूट्यूब के वीडियो देखने का टाइम नहीं है। सो बेटर यही होगा कि आप सेक्शनल मॉक दीजिए, उससे आपको मिसलेनियस टॉपिक जैसे पैरा जंबल्स हो गया, फिलर्स हो गए, ये सब आपको वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, देखिए, अवॉइड डेली फुल लेंथ मॉक। आपको डेली फुल लेंथ मॉक नहीं देने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसमें कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए कम टाइम मिलेगा। इसलिए आपको डेली फुल लेंथ मॉक नहीं देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस क्या करना है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ठीक है। उसके बाद एटलीस्ट 4 मॉक्स बिफोर एग्जाम फुल लेंथ, ठीक है, मतलब एग्जाम से पहले आपको एटलीस्ट 4 मॉक्स तो फुल लेंथ देने ही है, ठीक है। इसका मतलब आप 4 दिन बाद दे दो, या मतलब आप टाइम एडजस्ट करके दे दो ये मॉक्स, ठीक है। एंड उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करना है आपको, मतलब आप कहाँ पे लैग कर ले, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है वो आपको देखना है, और उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रीजनिंग की। अब रीजनिंग में देखिए, मेंस पजल 3-4 मिनट्स में आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। मेंस लेवल जो पजल होते हैं उसके प्रैक्टिस आपको करनी है, एंड एग्जाम में जब आप जाओगे तो एटलीस्ट मतलब 3 या 4 मिनट से ज़्यादा आप उस पर ज़्यादा टाइम मत देना, ठीक है, क्योंकि एक बार आप अगर उसमें अटक गए तो फिर आपका पूरा टाइम वहाँ पे ही खराब हो जाएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पर अंकुश लांबा सर या फिर पारुल मैम है, उनका वीडियो देख के आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग की भी आपको सेक्शनल मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। अगर आपके पास NIACL असिस्टेंट के पेपर्स बहुत कम है तो आप RBI असिस्टेंट मेंस लेवल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मतलब उसके प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे मशीन इनपुट वो भी आएगा, लेकिन इजी लेवल आएगा, पर ये डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप क्रिटिकल रीजनिंग एंड मशीन इनपुट दोनों की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्वांट की, तो क्वांट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा DI एंड सेक्शनल मॉक इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मतलब DI इसकी प्रैक्टिस अलग से करनी है, एंड सेक्शनल मॉक आपको इसलिए देने हैं कि उसमें से आपको मिसलेनियस टॉपिक मतलब जैसे मतलब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि DI जरूर नहीं है कि आपने जो टाइप पढ़ा होगा वही आएगा। सो इसलिए आपको क्वांट के भी सेक्शनल मॉक्स देने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके जो स्ट्रांग टॉपिक्स है, ठीक है, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, तो उस टॉपिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेकिन DI की तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उसमें भी कैसलेट DI तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही, क्योंकि उसमें हमें स्ट्रक्चर दिया होता है और हमें वो बनाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए आप उसकी भी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। फिर बात करेंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर दिला सकता है, इसलिए मैंने लिखा है वेरी IMP स्कोरिंग, ठीक है। इसलिए अभी आपको सिर्फ एक बात ध्यान देनी है कि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रीड MCQ, मतलब उसमें टॉप 100 MCQ ऐसे यूट्यूब पर जो भी आपको दिखे फटाफट वो पढ़ लेना है पूरा, ठीक है। इसके लिए आप अरोरा एजुकेटर वो यूट्यूब चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हो, या फिर लुसेंट की एक बुक आती है
वो भी आप खरीद के उसमें से भी रीड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जीए की। अब जीए में आपको क्या पढ़ना है, तो वहां पे भी अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि यही एक टॉपिक, ये दो टॉपिक है, कंप्यूटर एंड जीए, ये आपको बाकी स्टूडेंट से आगे लेके जाएगा। अब वो कैसे, देखिए, सो सबसे पहले तो आपको बजट पढ़ना है, ठीक है। एसबीआई क्लर्क मेंस में आपको बजट देखने को मिले या ना मिले, वो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, कि क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि अभी एसबीआई क्लर्क में तो नहीं आया था या फिर आया था तो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि ये इंटरिम बजट है। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको बजट डेफिनेटली पढ़ के जाना है, 4 or 5 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है नेशनल न्यूज, इंश्योरेंस रिलेटेड करंट न्यूज, ठीक है, मतलब जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड न्यूज अभी करंट में है वो पढ़ के जाना है। उसके बाद आरबीआई रिलेटेड न्यूज, फिर स्टैटिक जीके में जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, डैम्स हो गए, ऐसे जो भी स्टैटिक जीके आपको मिले वो पूरा पढ़ के जाना है। जीआई टैक्स जो अभी रिसेंटली मिले हैं वो भी जीआई टैक्स पढ़ के जाना है। और स्कीम्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स ये आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना ही है, ठीक है। स्कीम्स के ऊपर भी बहुत सारे आजकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एक एग्जाम में, तो ये भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस करंट, ठीक है, उस पर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस, उसमें 4 or 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मेन फोकस ऑन करंट अफेयर, अब इंश्योरेंस अवेयरनेस आपने अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप 4-5 क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसलिए आप जो भी फोकस देंगे अपना पूरा, तो ज्यादा से ज्यादा आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना है, ठीक है। फिर पीएम विजिट्स, अगर प्राइम मिनिस्टर जी के विजिट्स कहीं पे रिसेंटली हुए हैं तो वो आपको पढ़ के जाना है, उस देश की कैपिटल एंड उसके प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, इनका नाम भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर डिफेंस न्यूज, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। आपको टॉपिक समझ में आ गया, फिर उसके लिए आपको अगर किसी पीडीएफ से रीड करना है तो आप हॉलीवुड का बोल्ड पीडीएफ या फिर अड्डा की कैप्सूल जीके वो भी पढ़ सकते हो, या फिर यूट्यूब पर अभिजीत मिश्रा सर है और आशीष गौतम सर है, उनसे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये थी NIACL असिस्टेंट मेन्स की स्ट्रैटेजी। एंड फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसे वैल्यूएबल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।